हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। माय सेल्फ जेसिका एंड वेलकम टू जेसिकास क्लासरूम। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन यूनिट टेस्ट मैथ्स का। सो यहाँ पे मैथ्स का यूटी हम जो लेंगे थोड़ा सा हो सकता है टफ लगे, बट इट्स ओके। बच्चों को थोड़ा इम्प्रूवमेंट का टाइम मिलेगा। जो चीजें बच्चों को नहीं आती वो आएंगी नेक्स्ट टाइम से, जब उन्हें पता लगेगा कि क्वेश्चन पेपर का क्या पैटर्न होता है। चलिए शुरू करते हैं क्लास नर्सरी से। सो एज यू कैन सी नर्सरी क्लास का पेपर है, बहुत इजी है वैसे तो। ट्रेस द फॉलोइंग, यहाँ पे बच्चों को ट्रेस करना है। मेक श्योर कि यही नंबर्स हो, यही जो भी पैटर्न्स दिए गए हैं वो ही हो, और काउंटिंग 1 2 3 4 अपनी तरफ से मत दीजिएगा, प्लीज यही सब रखिएगा। नेक्स्ट इज काउंट एंड मैच। यहाँ पे बच्चे पहले काउंट करेंगे। मेक श्योर आप ये ना बोले 2, तो 2 कहाँ है, कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहले काउंट कराइए 1 2 3 4, और यहाँ पे 4 जब बच्चे काउंट करें तो पूछो यहाँ पे 4 कहाँ लिखा है, तो इससे नंबर का आइडेंटिफिकेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 3, काउंट एंड राइट। यहाँ पे बच्चे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे लिखेंगे 6। तो इस तरीके से बच्चे कौन से हम डिजिट को क्या बोलते हैं इंग्लिश में ये समझ पाएंगे। जैसे इसको 2 बोलते हैं, 3 बोलते हैं, 5 बोलते हैं। आई नो थोड़ा टाइम लगेगा, एकदम से बच्चे नहीं कर पाएंगे, बट इट्स ओके। अगर इस टेस्ट का बच्चे अगर 70% भी अच्छे से कर लेते हैं तो इट मींस वो काफी इम्प्रूव कर रहे हैं, और आप नेक्स्ट अपना जो टारगेट है यही बनाएं कि बच्चों को नंबर का आइडेंटिफिकेशन हो सके। चलिए, तो ये नर्सरी का बहुत छोटा सा और बहुत ईजी सा पेपर है, तो आप बच्चों से कराइए एंड जो भी शीट है वो व्हाट्सएप कर दीजिए। लेट्स मूव ऑन टू क्लास एलकेजी। चलिए, ये एलकेजी क्लास का यूनिट टेस्ट है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है टिक द स्मॉल ऑब्जेक्ट। 2 ऑब्जेक्ट है, स्मॉल और बिग। तो बच्चों से पूछना है स्मॉल कौन सा है, बिग कौन सा है, उस पर बच्चे टिक लगाएंगे। सेकेंड है टिक द सेम ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट कराया था डिफरेंट एंड सेम का, यहाँ पे वही काम आएगा कि सेम कौन सा है और डिफरेंट कौन सा है। अगर सेम है तो उस पर टिक लगाना है, दैट्स इट। फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन बहुत ईजी है। थर्ड क्वेश्चन, राइट द काउंटिंग 1 to 20। यहाँ पे बच्चों को खुद बिना किसी मदद के जो एलकेजी में गए हैं 1 to 20 तक काउंटिंग लिखनी है, और अगर 1 to 50 1 to 100 तक लिखते हैं तो दैट्स वेरी नाइस। नेक्स्ट इज काउंट एंड राइट। यहाँ पे बच्चों को काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी दिए गए, और यहाँ पे वो डिजिट लिखनी है। जैसे 1 2 3, तो यहाँ पे 3 लिखना है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है ड्रॉ अ टॉल एंड अ स्मॉल ट्री। यहाँ पे टॉल एंड स्मॉल, यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट कराना है कि लंबा यानी टॉल एंड छोटा यानी स्मॉल। यहाँ पे बच्चे एक लंबा सा ट्री ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे एक छोटा सा ट्री ड्रॉ करेंगे। आप बच्चों को ये मैथ्स की नोटबुक में कराएंगे, यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो अच्छे से बच्चे ये जो एक्टिविटी है वो कर सकते हैं। तो दिस इज इट फॉर द एलकेजी क्लास। एलकेजी क्लास के लिए टेस्ट है, आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आराम से वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू क्लास यूकेजी। यूकेजी क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं, ड्रॉ अ स्मॉलर ट्री। यहाँ पे ये टॉल ट्री दिया हुआ है, यहाँ पे बच्चों को स्मॉल ट्री बनाना है। तो छोटा ट्री ना बोले उनके सामने, आप उन्हें ये बोलिए स्मॉल ट्री बनाओ, स्मॉल ट्री बनाओ। हो सकता है एक दो बार बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि स्मॉल मम्मा क्या बोल रही है, बट कभी ना कभी वो आपकी बात समझेगा जब आप बार बार उस चीज को रिपीट करोगे। तो यहाँ पे बच्चों को एक स्मॉल ट्री बनाना है, इससे स्मॉल। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट काउंटिंग 1 to 100। बहुत इजी है आई थिंक यूकेजी के बच्चों के लिए 1 to 100 काउंटिंग लिखना। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में उनको 1 to 100 काउंटिंग लिखनी है। थर्ड है टिक द सेम ऑब्जेक्ट 1 2। सो इन दोनों में आपको कंपेयर करना है और इन दोनों में कंपेयर करना है। जैसे कि ये दोनों सेम हैं और ये दोनों अलग अलग हैं, तो सेम पे टिक करना है इस तरीके से। तो ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों सेम हैं, तो इस तरीके से सेम जो भी आपको दिख रहे हैं उन पे क्या करना है, आपको टिक लगाना है। नेक्स्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पे मैंने रैंडमली काउंटिंग दी है 45, 46, 47, 48, 49, 50। तो इस तरीके से बीच से मैंने काउंटिंग दी है, बच्चे इसको पूरा करेंगे तीनों को। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ लाइटर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे नारियल समझ लीजिए, पत्थर समझ लीजिए, जो आपको समझ में आ रहा है इस पिक्चर में, क्योंकि मेरी ड्रॉइंग बहुत बेकार है, तो आप जो समझ सकते हैं इस पिक्चर को समझ लीजिए। एंड ये पिक्चर है हैवी ऑब्जेक्ट की, हैवी यानी भारी ऑब्जेक्ट की। तो बच्चों को बोलिए आप लाइटर ऑब्जेक्ट की बनाएं, तो लाइटर यानी हल्का ऑब्जेक्ट।
तो इस स्टोन या फिर नारियल या जो भी समझ लीजिए, ये बाहरी से इसकी हल्की चीज क्या हो सकती है, एप्पल बना सकते हैं, मैंगो बना सकते हैं, कुछ भी बच्चा बना सकता है जो भी उसको इससे हल्का लग सकता है। तो दिस इज इट फॉर द यूकेजी क्लास। यूकेजी क्लास का ये टेस्ट है, आई होप बच्चे बहुत इजीली करेंगे। आई डोंट थिंक सो कि ज्यादा टफ है, अगर बच्चे अच्छे से रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं तो ये जरूर कर पाएंगे। हेलो एवरीवन, चलिए अब शुरू करते हैं हम फर्स्ट क्लास की मैथ से। तो एज यू कैन सी नंबर नेम, यहाँ पे आपको फर्स्ट क्लास के बच्चों को नंबर नेम लिखने हैं, इजी है काफी ज्यादा। 5, 6, 9, 3, 2, 4 यहाँ पे बच्चे नंबर नेम लिखेंगे इन डिजिट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन में यहाँ मैंने स्पेलिंग्स दी गई है, तो इन दोनों में से कौन सी स्पेलिंग ठीक है वन की, O V E या O N E वन, तो जो ठीक है उस पर हम टिक लगा देंगे। N I N E ठीक है या N I C E नाइस, कौन सी नाइन है ये है तो इस पे टिक लगा देंगे। तो जो भी है आप बच्चों से पूछ के टिक लगवा सकते हैं। नेक्स्ट इज विच इज द ग्रेटर, यानी इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, 5 बड़ा है या 3, तो जो भी बड़ा है उसकी तरफ बड़े का साइन लग जाएगा। 2 बड़ा है या 5 से 9 बड़ा है या 8, इस तरीके से बच्चे कंपैरिजन करेंगे यानी तुलना करेंगे कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। नेक्स्ट इज सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर। इसमें आपको ये दो टेबल दी गई हैं। टेबल नंबर 1 में आपको देखना है सबसे ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 5 बड़ा है, 3, 9, 1, 4, 3 सबसे बड़ा कौन सा है इसमें से, और इसमें से भी सबसे बड़ा कौन सा है, जो भी है उस पर आप सर्कल लगवाएंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज राइट द टेबल ऑफ 2 एंड 3, यानी बच्चों को 2 और 3 का पहाड़ा लिखना है, टेबल लिखना है बच्चों की मैथ्स की नोटबुक में, ये पूरा टेस्ट होना चाहिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर बच्चों को आराम से वीडियो पॉज करके समझा सकते हैं और लिख सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू क्लास सेकंड। क्लास सेकंड का ये मैथ्स का यूटी है। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि आप देख पा रहे हैं राइट नंबर नेम, यानी इन नंबर्स की स्पेलिंग लिखनी है, 47 FORTY 40 SEVEN 7, इस तरीके से बच्चे इन सब नंबर्स की स्पेलिंग लिखेंगे। नेक्स्ट इज राइट द नंबर दैट कम्स बिफोर आफ्टर बिटवीन, यानी 35 से पहले क्या आता है, 57 के बाद क्या आता है, और 87 और 89 के बीच में क्या आता है, इस तरीके से बच्चे ये मिसिंग काउंटिंग्स करेंगे। नेक्स्ट है राइट द बॉक्सेस और फिलिंग द बॉक्सेस विद दिस साइंस, यानी 27 और 35 में से कौन सा बड़ा है, 68 और 44 में से कौन सा बड़ा है, 22 और 22 इक्वल है या फिर छोटे बड़े हैं, तो इस तरीके से आप बच्चों से ये तीनों साइन लगवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम्स। यहाँ पे मैंने 3 अलग अलग टाइप के सम दिए हैं, बच्चों को साइन से पता लगवाइएगा कि ये किस चीज का साइन है, एडिशन का, ये सब्ट्रैक्शन का यानी माइनस का घटा का, और ये मल्टीप्लिकेशन का यानी गुणा का, तो इस तरीके से बच्चों को साइन से आप समझा सकते हैं और ये क्वेश्चंस करा सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट इन डिजिट, यहाँ पे इनको अक्षरों में यानी डिजिट्स में लिखना है, तरीके से जैसे 59, तो 59 को 5 और 9 लिखेंगे यहाँ बच्चे, 40 को 40 लिखेंगे, तो इस तरीके से काफी इजी टेस्ट है वैसे ये, अगर बच्चों ने रेगुलर क्लासेस अटेंड की होंगी और अपनी पिछली क्लास बहुत सीरियसली ली होगी तो ये बहुत ईजी है टेस्ट बच्चों के लिए। सो आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। चलिए यूनिट टेस्ट ऑफ क्लास 3। क्लास 3 का ये यूनिट टेस्ट है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं राइट द टेबल ऑफ 7, 8, 13 एंड 15। यहाँ पे बच्चों को 4 टेबल लिखने हैं, 4 पहाड़े लिखने हैं, 7, 8, 13 और 15 का। नेक्स्ट इज सम्स। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने सम्स लिखा है तो एडिशन के ही नहीं है सारे, प्लस के भी हैं, माइनस के भी हैं, मल्टीप्लाई भी है और डिवाइड भी है, तो बच्चे ये ना करें कि सबको ही प्लस कर दे, तो साइन जरूर आइडेंटिफाई करा लीजिएगा बच्चों से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नंबर नेम। नंबर नेम यानी यहाँ पे बच्चों को इनकी स्पेलिंग लिखनी है, 59 की क्या स्पेलिंग होती है, FIFTY 50 NINE 9, इस तरीके से ये बच्चे ये क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट इज ड्रॉ एनी 5 शेप्स। बच्चों को कोई भी 5 शेप बनानी है, जैसे कि सर्कल, ट्राइंगल, कोल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इस तरीके से बच्चों को कोई भी 5 यहाँ पे शेप ड्रॉ करनी है, तो आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आराम से वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। कुछ भी ना समझ में आए तो आप प्लीज वीडियो के लास्ट में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। दिस इज यूनिट टेस्ट 4th क्लास मैथ्स।
सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 है राइट इन वर्ड्स, यानी इसको अक्षर हमें स्पेलिंग्स में लिखना है। तो 16245 को जैसे कि 1s, 10s, 100s, 10,000, तो 16245 इस तरीके से बच्चों को स्पेलिंग लिखनी है। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। ये चैप्टर नंबर 1 में बहुत अच्छे से सर ने समझाया था, अगर आपने क्लास अटेंड की है तो आपको जरूर आता होगा। आप फर्स्ट जो आपका मैथ्स की फर्स्ट चैप्टर है उसके फर्स्ट या सेकेंड पेज पे ही ये सारे मेंशन है। चलिए नेक्स्ट इज राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, तो इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है, सबकी लिखनी है। जैसे कि इसकी क्या प्लेस वैल्यू है, वंस, इसकी टेंस, इसकी थर्ड, हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, इसी तरीके से वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लाख जो भी है उस तरीके से बच्चों को सबकी प्लेस वैल्यू मेंशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं प्लस 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 माइनस 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 माइनस, यानी ये एडिशन के 4 सम्स हैं और ये सब्ट्रैक्शन के 4 सम्स हैं। सो दिस इज इट फॉर द क्लास 4th, ये क्लास 4th का यूनिट टेस्ट है। आई होप बच्चों को ये आता होगा। मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन हो सकता है डिफिकल्ट रहे और सारा इजी रहेगा। चलिए कुछ ना समझ में आए तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लास्ट इज क्लास 5th मैथ्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं राइट द नंबर नेम इन वर्ड्स, ये आपको नंबर नेम दिए गए हैं, काफी बड़े बड़े दिख रहे हैं, बट अगर बच्चों को इनकी प्लेस वैल्यू पता होगी, यानी वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लाख टेन लाख करोड़, अगर इस तरीके से बच्चों को पता होगा तो ये बहुत ईजी है। नेक्स्ट इज राइट द पीरियड एंड प्लेस ऑफ द कलर डिजिट, यहाँ आप देख पा रहे होंगे 1 में एक कलर डिजिट है, 2 पार्ट में एक कलर डिजिट है, 4, तो जो भी कलर डिजिट है आपके उनकी क्या लिखनी है, प्लेस वैल्यू लिखनी है और पीरियड लिखना है। मैंने बहुत अच्छे से समझाया था ये कॉन्सेप्ट, वैसे अगर आपने सुना होगा तो आपको जरूर आता होगा। नेक्स्ट इज राइट सक्सेसर, अब यहाँ पे सक्सेसर लिखना है, सक्सेसर इनडायरेक्टली आप बता सकते हैं कि एक बाद वाला नंबर लिखना है, यानी 1 एड करना है, तो इन सब में 1 एड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें जो भी है वो आप बता दीजिएगा। नेक्स्ट इज प्रेडिसर, प्रेडिसन यानी एक पहले का नंबर लिखना है, यानी 1 माइनस कर दीजिए, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं बच्चों को कि कैसे करना है ये क्वेश्चन। हेल्प इतनी कीजिएगा कि आप बस बच्चों को जो क्वेश्चंस हैं उनके मीनिंग बताएं प्रॉपरली, अगर आप बता देंगे तो फिर टेस्ट नहीं रह जाएगा। तो 10 से लेके 15% आप हेल्प कीजिएगा सिर्फ उनको मतलब बताने में। नेक्स्ट इज राइट द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू, जो भी कलर्ड नंबर आपको दिख रहे हैं उनकी आपको फेस वैल्यू लिखनी है और प्लेस वैल्यू लिखनी है। सो गाइज दिस इज इट फॉर द डे, ये हमारा आज का मैथ्स का यूटी था। आई होप आप सब को समझ में आया होगा, जिन्होंने पढ़ाई की होगी उनके लिए इजी होगा, जिन्होंने नहीं की होगी उनके लिए थोड़ा सा टफ होगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अगर कुछ ना समझ में आया हो, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।